आज हमारे पास है बॉस का गैस स्टोव जो कि है 3 बर्नर का। इसमें मिलता है हैवी ब्रास बर्नर विथ सबाव इडली क्वालिटी का। तो चलिए इसको खोलते हैं, उससे पहले आपको बॉक्स के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें बहुत सारा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, जो कि इसमें पूरा डिटेल दे रखा है, आप पढ़ यूज़ करके भी पढ़ सकते हैं। एंड इसको थोड़ा ऊपर करके भी इसको क्लीन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है, उसको करके भी आपको बताएंगे। एंड इसका डायमेंशन कितना है, 82 सेंटीमीटर जो है इसका डायमेंशन है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बॉस गैस स्टोव गिव द कन्वेंशन एंड सेफ्टी एट द सेम टाइम और हैवी ड्यूटी ब्रास बर्नर फ्रॉम सबाब इडली प्रोडक्ट फास्टर कुकिंग के लिए बहुत ही बड़ा ही यूज होता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। एंड ब्रास बर्नर एंड गैस वॉल्व विथ सबाब क्वालिटी का है, जो गैस वॉल्व होता है नॉब वगैरह उसमें भी सबाब क्वालिटी का है। जर्मन इंजीनियरिंग की हुई है, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है। एंड 3 बर्नर का है, वर्क को विथ LPG गैस कनेक्शन के साथ वर्क होता है। एंड साइड में देख सकते हैं इसमें कहाँ मैन्युफैक्चर होता है वो पूरा लिखा है, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर होता है। एंड कुकटॉप इसका ये मॉडल नंबर है, इसका जो डायमेंशन है गैस स्टोव का एंड 8.726 kg का, ये 8 kg 726 ग्राम एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 13,900 MRP मिल जाती है इसकी। एंड इसका कस्टमर केयर नंबर वगैरह पूरा डिटेल इसमें दे रखा है। एंड यहाँ पे जो गैस यूज होता है LPG उसके बारे में डिटेल है। तो चलिए अब करते हैं फटाफट से ओपन। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को दीजिए लाइक। तो गाइस देख सकते हैं ये है बॉस का कुकटॉप एंड बहुत ही बढ़िया तरीके की इसमें पैकेजिंग मिली है एंड कोई भी जैसे कि कोई भी डैमेज वगैरह ना हो। एंड इसके साथ जो मिला है प्रोडक्ट वो आपको बता देता हूँ। तो इस तरह का एक बुकलेट मिला है जिसमें आपको एक मिलेगा बर्नर का, स्मॉल बर्नर रखने के लिए बर्नर के ऊपर, जो कि छोटा बर्तन होता है वो कुकिंग करने के लिए यूज होता है, जो कि ये वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर रख के आप कोई भी छोटा बर्नर जैसे घी होता है, घी गर्म करने के लिए छोटा पॉट जो कुकिंग कर सकते हैं इसकी मदद से, तो ये हो जाता है। एंड एक मिलता है बर्नर क्लीनिंग पिन जो कि कुछ इस तरह का है। तो बर्नर का जो होल होता है, अगर आपका कुछ चपाती का आटा हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें गिर जाके ब्लॉक हो जाता है होल, तो आप इसको बर्नर को निकाल के जो है बड़े आराम से जो है इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से क्लीन हो जाता है। तो ये काफ़ी यूजफुल है क्लीन वाला। तो ये एक साथ में मिल जाता है एक्स्ट्रा। एंड उसके बाद मिल जाता है एक मैनुअल वारंटी कार्ड बुक, जिसमें वारंटी कार्ड बॉस सर्विस का ये अलग से दिया हुआ है बुकलेट। एंड इसमें आपको पीछे की तरफ वारंटी कार्ड फिलअप करना है, जो कि ये वाला है, कस्टमर कॉपी एंड टेक्नीशियन कॉपी दो है। तो ये हो गया वारंटी कार्ड एंड ये हो गया यूजर मैनुअल। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे यूज़ करना है गैस स्टोव, कैसे क्लीन होता है वगैरह, फुली डिटेल्स में दिया हुआ है क्या क्या आपको यूज़ करना चाहिए, वार्निंग वगैरह पूरा मैनुअल दिया हुआ है। बर्नर का साइज़ कितना है एंड ये कितना बर्तन इसके ऊपर रख सकते हैं वगैरह, पूरा डिटेल A to Z इसमें बुकलेट में दिया है। जो बाकी का डिटेल में हम बताएंगे कि स्टोव के बारे में। तो चलिए स्टोव के ग्लास की क्वालिटी की बात, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ग्लास है एंड ये फुल टफन ग्लास है, जो कि टूटने का बिल्कुल चांस नहीं है। एंड ऊपर की तरफ देख सकते हैं बॉस का लोगो दे रखा है एंड बहुत ही यूनिक नेम आ जाता है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं दिखने में भी काफ़ी शानदार। एंड ये बर्नर का जो है, ये वाला बर्नर का ये जो है नॉब है एंड सेंटर वाला सेंटर का है, ये साइड में दिया हुआ है, ये इसका इधर, तो ये इसके हिसाब से जो है दिया हुआ है। एंड बहुत ही शानदार तरीके से ये मॉडल दिखना है, दिखने में काफ़ी शानदार है। तो सबसे पहले हम बर्नर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटा बर्नर मिलेगा, जो कि देख सकते हैं ये भी जो नॉर्मली कुकटॉप से थोड़ा बड़ा ही है। एंड ब्रास की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही शानदार एंड हैवी क्वालिटी का ब्रास बर्नर है, तो देख सकते हैं एकदम बहुत ही शानदार क्वालिटी का ब्रास बर्नर। एंड नीचे शबाब का जो है चैम्बर दिया हुआ है एंड इसके ऊपर ब्रास का बर्नर। उसके बाद में बात करेंगे सबसे बड़े वाले बर्नर के बारे में, तो इसमें दोनों बड़े बर्नर मिलते हैं, आप देख सकते हैं ये साइज और ये साइज दोनों एक ही साइज़ के बर्नर हैं, कोई भी साइज़ में डिफरेंट वगैरह नहीं है, दोनों सेम साइज़ के बर्नर हैं। आपको दो जुम्बो बर्नर मिलते हैं, एक मीडियम बर्नर मिलता है, तो देख सकते हैं ये वाला। एंड इसमें आप देख सकते हैं क्वालिटी तो बहुत ही शानदार। इसमें कोई कोई गैस स्टोव में आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो साइड में से फ्लेम आनी शुरू हो जाती है, यानी कि बर्नर बेंड हो जाता है, तो इसमें ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि ये हैवी ब्रास बर्नर है एंड गेज भी बहुत ही शानदार इसमें दिया हुआ है। तो ये जो चैम्बर है इसका ट्रिपॉड, इसमें भी आपको जो है
एल्यूमिनियम का सबाब सैम्बर मिलेगा एंड विथ ब्रास बन के साथ में। एंड 500 के क्वालिटी की बात को तो ये ठीक ठाक क्वालिटी है, ज़्यादा हैवी वगैरह नहीं है, नॉर्मल कुकटॉप में जो मिलती हैं वही क्वालिटी मिली है, लेकिन कंपेयर टू अदर ब्रांड ये छोटी साइज है, तो ये एक डिसपॉइंट है इसमें, क्योंकि अगर आप बड़ा बर्तन इसमें नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 260 mm तक इसका जो है डायमीटर आप रख सकते हैं, 26 cm तक आप बर्तन जो है इसमें रख सकते हैं, इससे बड़ा रखेंगे तो आपको सेकिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसमें 100 to 260 mm तक आप बड़े आराम से रख सकते हैं, तो ये एक डिसअपॉइंट है जो कि बर्नर जो पान सपोर्ट है वो छोटा इसमें दिया हुआ है। तो उसके बाद में नीचे प्लेट की बात करूँ तो ये देख सकते हैं मैट फिनिश स्टेनलेस स्टील प्लेट दी हुई है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। एंड उसके बाद में नॉब की बात करूँ तो इसमें भी आपको गैस वॉल जो है सबा क्वालिटी का मिलता है, आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे हल्का सा तो एकदम इजी अंगुली से आपको ये जो है फिर जाएगा ऐसे इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा एकदम टाइट जो नॉर्मल गैसों में आपको टाइट मिलेगा, इसमें आपको सिंपली जो है इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, आपको हल्का सा फील होगा कि हाँ थोड़ा प्रेस हुआ है, उसके बाद में यहाँ से लॉक होगा, थोड़ा सा हल्का प्रेस करेंगे एंड उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ से लॉक हो जाएगा वापस ऐसा, तो एकदम यूनिक जो है इसका नॉब है एंड नॉब की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार दी हुई है। उसके बाद में हम इसके डायमेंशन की बात करूँ तो ये वाला डायमेंशन जो है 82 cm बॉक्स के ऊपर भी लिखा है एंड ये फुल्ली ISI मार्क के साथ मिलता है जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड बॉस ब्रांड की क्वालिटी एकदम शानदार होने वाली है। उसके बाद में हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो हाइट करके आपको बताते हैं, थोड़ा इसका हाइट करेंगे अभी तो कैसा होता है हाइट करके, तो देख सकते हैं सिंपली हम इसको उठा देते हैं, उठाने के बाद नीचे देख सकते हैं एक रेड कलर का रिंग है, इसको सिंपली हम खींच लेना है, खींचने के बाद देख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कैसा, एंड नीचे काफ़ी शानदार स्पेस मिल जाता है ताकि आप बड़े आराम से जो है इसके नीचे जो है कुछ भी क्लीनिंग वगैरह बड़े आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा हाथ एकदम हाथ आप उसके नीचे लगा सकते हैं, यानी कुछ भी खाने का पीस हो गया, कुछ भी लिक्विड आइटम हो गया, गिर गया तो क्लीनिंग काफ़ी इजी है एंड लेग की क्वालिटी होती है वो भी बहुत ही शानदार इसमें दी हुई है, आप देख सकते हैं लेग एकदम शानदार क्वालिटी के दी हुए हैं एंड बाकी ओवरऑल गुड क्वालिटी है। एक बार थोड़ा उल्टा करेंगे एंड नीचे देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से एकदम स्पेस दिया हुआ है नीचे, ताकि आप नीचे से भी अगर कुछ चिपक गए तो क्लीनिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का गैस स्टोव है एंड गैस कनेक्शन की बात करेंगे उसके बाद में अभी, तो गैस जो कनेक्शन होता है वो पीछे की तरफ आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये गैस कनेक्शन है, आपको लेफ्ट एंड राइट करना है, जहाँ से आप परचेस करते हैं वही शॉप मैकेनिक कर सकते हैं ये वाला कनेक्शन, एक्चुअली जो ये वाला कनेक्शन एक साइड में आता है एंड इसको आप ये साइड करना चाहते हैं, यहाँ से लेफ्ट या राइट से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किसी भी मैकेनिक से आप ये करवा सकते हैं। तो ये रिसेंटली न्यू लॉन्च हुआ है एंड इसकी वारंटी दो वेरिएंट में मिलती है, 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, 2 ईयर्स तो ग्लास के ऊपर वारंटी मिलती है, बाकी प्रोडक्ट की तो 2 ईयर्स वारंटी मिलती है, तो उसके हिसाब से भी आप परचेस कर सकते हैं। इसका बाइलिंग जो है जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो अभी तो नहीं है, मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड बाकी ओवरऑल गुड क्वालिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।